पिछली वीडियो में नर नारायण युद्ध को एक्सपोज करने के बाद आज हम बात करेंगे दक्ष युद्ध के दौरान हुए असली युद्ध की, जहां ना तो खुद प्रभु महादेव है, ना ही कोई नर है और ना ही कोई नारायण, बस कुछ है तो वो है वीरभद्र जी और उनके द्वारा मचाया गया विनाश। ये बात मैं पहले ही बता दूं कि इस घटना का विस्तार से उल्लेख हमें पुराणों में मिलता है। हां, मैं ये जानता हूं कि अब यहां कुछ लोग आकर के बिना जाने ये भौंकना शुरू कर देंगे कि मैं तो पुराणों की बातें कर रहा हूं, तो मैं ये बात पहले ही क्लियर कर दूं कि वीरभद्र वाली घटना का मेंशन महाभारत में तो मिलता ही है, इसके साथ साथ यजुर्वेद में भी इसका रेफरेंस देखने को मिलता है, पर वहां ये कहानी शॉर्ट में है। और चूंकि इसका उल्लेख पुराणों में विस्तार से मिलता है, तो ऑफ कोर्स हम इस घटना को विस्तार से जानने के लिए पुराणों का यूज करेंगे, तो इस चीज पर कोई कितना भी रोले हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो चलिए इस युद्ध की कथा शुरू करते हैं। हाँ, तो ये युद्ध क्यों शुरू हुआ वो तो हम सब जानते हैं, इसलिए मैं सीधा युद्ध पे ही आता हूँ। तो जब वीरभद्र जी का जन्म महादेव की जटाओं से होता है, तो वो अपने दोनों हाथ जोड़कर महादेव से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे शीघ्र ही आदेश दें कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। हे प्रभु, क्या मैं महासागरों को सुखा दूं या फिर पर्वतों को चकनाचूर कर दूं? क्या पूरे ब्रह्मांड को राख में मिला दूं या फिर सभी देवों और ऋषियों को भस्म कर दूं? हे परमेश्वर, आपकी कृपा से ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरे लिए असंभव हो। आपकी कृपा से मेरे समान पराक्रमी योद्धा ना तो कभी पैदा हुआ है और ना ही भविष्य में कभी होगा। आप मुझे जहाँ भी जिस कार्य के लिए भी भेजेंगे, आपकी कृपा से मैं वो कार्य अवश्य ही पूरा कर दूंगा। आपकी बोली पर तो एक साधारण सा मनुष्य भी संसार की कठिनाइयों के महासागरों को तैरकर पार कर सकता है, तो क्या मैं नहीं कर सकता? हे प्रभु, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि आपके द्वारा भेजा गया एक घास का तिनका भी बड़े से बड़े कार्य को सार्थक कर सकता है। संसार में सारे कार्य आपके ही लीला मात्र हैं, और आपके आशीर्वाद की ही देन है कि आज मैं आपके द्वारा दिया गया कार्य करने के योग्य हूँ, जिसके लिए मुझे अभी अभी भेजा जाएगा। आपकी इच्छा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। ये संसार और मैं आपके ही अधीन है, मेरा ध्यान सदैव ही आपके कमल चरणों में होता है, इसलिए हे परमेश्वर, मुझे शीघ्र अति शीघ्र अपने कार्य के लिए भेज दें, ताकि मैं जल्दी ही उसे पूरा करूं। वीरभद्र स्वामी की इन बातों को सुनकर भगवान शिव उनसे कहते हैं कि विजयी भव वीरभद्र, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। प्रजापति दक्ष ने जो यज्ञ किया है उसे शीघ्र ही खत्म कर दो। तुम्हें रोकने के लिए कोई भी आए उसे भस्म कर दो। महादेव का आदेश पाते ही वीरभद्र जी दक्ष का यज्ञ का विनाश करने के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। तब वहां भय की सूचना देने वाला एक महान उत्पात मच जाता है। उनके कोप से पर्वत दरक उठते हैं, पृथ्वी हिलने लगती है, वायु इधर उधर बहने लगती है, समुद्र क्षुब्ध हो जाता है, अग्नि का जलना बंद हो जाता है, सूर्य का चमकना भी बंद हो जाता है, ग्रहों की गति थम जाती है, जिससे देवता और राक्षस कोई भी प्रसन्न नहीं होते हैं। उसके बाद दूसरी कालाग्नि के समान वीरभद्र जी अपने रोमों से उत्पन्न हुए गणों के साथ युद्ध भूमि में प्रवेश कर जाते हैं। उसके बाद वो दक्ष से कहते हैं कि मैं ये तुम्हारा यज्ञ भस्म करने आया हूँ, जिसके बाद वो यज्ञ को खत्म करने के लिए उसके खंभे और अन्य चीजें उखाड़ देते हैं। उसके बाद वीरभद्र जी ने इंद्र और बाकी देवों को हाथों से पकड़ लिया। उसके बाद उन्होंने भग की आंखों को उखाड़ लिया, जिसके बाद वो पूछन के दांतों के साथ साथ इंद्र का सर भी काट देते हैं, अग्नि की जीव भी उखाड़ देते हैं और यम दंड भी तोड़ देते हैं। उन्होंने बिना किसी कठिनाइयों के 33 देवों को मार डाला, जिनमें दिग्पाल ईशान भी शामिल थे। ये सब देखकर विष्णु खुद अपनी गदा लेकर युद्ध भूमि में पहुंच जाते हैं और उनके बीच एक भयानक युद्ध शुरू हो जाता है। विष्णु अपने योग बल से उनके शरीर से शंख चक्र और गदा धारण किए हुए असंख्य योद्धा पैदा कर देते हैं और सभी के सभी वीरभद्र जी पर टूट पड़ते हैं। पर विष्णु के समान प्रभाव पाने वाले वीरभद्र जी इन सब का वध कर देते हैं और उसके बाद वो विष्णु जी के सर पर गदा से प्रहार करते हैं। सर पर गदा से प्रहार करने के बाद वो सहज रूप से उनकी छाती पर भी गदा से प्रहार करते हैं, जिससे आहत होकर विष्णु जी युद्ध भूमि में ही बेहोश होकर गिर जाते हैं। फिर होश आने के बाद वो वीरभद्र जी को मार डालने के इरादे से महादेव के द्वारा दिया गया सुदर्शन चक्र उठा लेते हैं, पर महादेव के अंश वीरभद्र जी ने उस चक्र को उनके हाथों में ही फ्रीज कर दिया, जिसे विष्णु जी चाह कर भी हिला नहीं पा रहे थे। फिर उन्होंने अपना धनुष उठा लिया, जिसे वीरभद्र जी काट कर 3 टुकड़े कर देते हैं। उसके बाद वीरभद्र जी अपने धनुष के अग्र भाग से डेमीगॉड विष्णु का सर भी काट देते हैं। डेमीगॉड विष्णु का वो कटा हुआ सर भगवान शिव के श्वासों से पाताल लोक में जा गिरता है। उसके बाद वहाँ यज्ञों के खंभे, यज्ञशाला समेत पूरे प्रमुख पात्र जला दिए जाते हैं। यज्ञशाला के भस्म होने के बाद वीरभद्र जी दक्ष का सर भी काट देते हैं, बिल्कुल विष्णु की तरह। इन सब के दौरान वीरभद्र जी ऐसे शोभा पा रहे थे जैसे कि खुद महादेव। इन सब के बाद ब्रह्मदेव आकर वीरभद्र जी को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हे भद्र, शांत हो जाओ, हम सबको क्षमा करो। जिसके बाद वीरभद्र जी का क्रोध धीरे धीरे शांत हो जाता है और अंतरिक्ष से पर ब्रह्म महादेव की कृपा से सभी मारे गए लोगों को सशरीर वापस जीवित कर दिया जाता है। डेमीगॉड विष्णु समेत इंद्र और दक्ष इत्यादि लोगों का भी सर वापस लगा दिया जाता है। फिर सभी उठकर एकमात्र परम पिता परमेश्वर भगवान शिव की स्तुति करते हैं, जिससे प्रसन्न होकर महादेव सबको वरदान देते हैं और अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो यही थी दक्ष युद्ध की सच्ची घटना, जिसका रेफरेंस वेदों और महाभारत समेत और भी कई जगह मिलता है। वैसे वीडियो आने में थोड़ा टाइम लग गया, क्योंकि उतने दिनों से इसकी कोई वीडियो नहीं आ रही थी, क्योंकि आपको तो पता है कि ये मेरा कॉन्टेंट है, इसलिए इसकी वीडियो का वेट करता हूँ मैं।
तो इसकी वीडियो का टाइटल था कि महादेव और डेमीगॉड विष्णु के बीच हुए युद्धों में कौन जीतता है। पर उस वीडियो में भी इसने सिर्फ एक युद्ध की बात की, जिसमें भी धनुषों की चेकिंग में उस धनुष का नाम तक मेंशन नहीं था। खैर मैं अभी किसे क्या कह रहा हूँ, मतलब इसकी वीडियो में बस एक ही युद्ध की बात थी, वो भी अधूरी। इसके अलावा ये कह रहा था कि विश्व रूप डेमीगॉड विष्णु का है, जिसने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया है, जिसकी वीडियो मुझे इसकी प्लेलिस्ट में मिलेगी। पर जब मैं वहाँ देखने के लिए गया तो वहाँ ना तो मुझे कोई ऐसी वीडियो मिली जहाँ पे ये प्रूफ हुआ हो कि विश्व रूप डेमीगॉड विष्णु का भी है। चूना लगा दिया। पर हाँ, मैंने अपनी कई वीडियोस में प्रूफ जरूर किया है कि विश्व रूप सिर्फ और सिर्फ महादेव का है। इवन गीता में भी महादेव का ही विश्व रूप था। एक और बात, पहले तो इसकी महर्षि उपमन्यु से फटती थी, उसके बाद श्री कृष्णा जी से फटने लगी, फिर भीष्म और आदि गुरु शंकराचार्य जी से इसकी फटी, और अब तो इसकी वेदों से भी फटने लगी है। क्या हुई? कहता है कि वेदों को बहुत से लोगों ने ट्रांसलेट किया है, इसीलिए वो फेक है। क्या कर रहे हैं यार तू? आप क्या बहुत ज्यादा पीते हो क्या? तो बेटा तू संस्कृत ट्रांसलेशन ही चेक कर लेना। पर करेगा कहाँ से, तेरे पास होगा तभी तो। चल तू मुझे बस इतना बता दे कि कितने लोगों ने उसे ट्रांसलेट किया है, बस इतना बता दे मुझे तू। वैसे इसका एक क्लेम सुनकर मैं 3 घंटे तक अपनी हंसी नहीं रोक पाया था, जहाँ इसने कहा था, चलो छोड़ो कहना क्या, मैं सीधा दिखा देता हूँ ताकि आपको भी तो हंसने का मौका मिले। तो ये देखो आप लोग, इस पे मैं कुछ बोलूँ उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि तू ले आपने किसी भी ट्रांसलेटर को अपने साथ। जिस तरह नर नारायण की ठुकाई हुई थी, उस तरह इन दोनों की भी ठुकाई होगी, क्योंकि बोरी के तो तेरे सारे प्रूफ्स खत्म हो गए हैं। वहाँ से तेरे सारे प्रूफ्स खत्म होने पर तू उसे भी तो यूज कर सकता है, क्या प्रॉब्लम है इसमें? मैं बताता हूँ तेरी प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है कि तेरे पास है ही नहीं, और अगर है तो तू मुझे बस उसका नाम बता दे। और वेदों का तो नाम लूंगा ही मैं, क्योंकि वहाँ प्रूफ्स भी हैं और रेफरेंस भी। हाँ वो बात अलग है कि तेरी उसे फटने लगी है, क्योंकि प्रूफ जो नहीं बचे हैं तेरे पास। और हाँ, नहीं है वेदों में राम और कृष्ण जैसे डेमीगॉड्स का मेंशन, पर तेरे डेमीगॉड के अवतारों का ऑफिशियल बाप भगवान हरिहरंता अर्थात भगवान शरभेश्वर का जरूर है, जो कि इन दोनों डेमीगॉड्स से कहीं ज्यादा ऑथेंटिक है, क्योंकि ये श्रुति प्रमाण है। वैसे श्रुति प्रमाण क्या होता है वो पता है तुझे? इसने कहा था कि अगर हमारे पास शरभ अवतार है तो इसके पास लंड भेरुंड है। तो चल तू अपने दूसरे बाप लंड भेरुंड को ही ले ले, उसका मेंशन कहीं से भी दिखा दे मुझे, कहीं से भी चला जा। अभी तो मैंने प्रत्यान गिरा का नाम भी नहीं लिया है, तो तेरा ये हाल है। सोच अगर ले लिया तो तेरा क्या हाल होगा। वैसे तू जानता है कि वो कौन है? नहीं जानता होगा, जानेगा कहां से। खैर एक और बात, तुझे स्क्रीनशॉट से मतलब है या फिर रेफरेंस से? तेरे पास तो आसमानी किताब वाला वेद है ना, तो एक बार चेक कर ले वहीं से। क्यों क्या हुआ, नहीं कर सकता क्या? ओ कर कहां से पाएगा, तेरे पास होगा तब तो। तेरे मेन प्रूफ के एग्जिस्टेंस पर सवाल ही कौन उठा रहा है, उसके लिए उसका एग्जिस्ट करना भी चाहिए होता है, जो कि है ही नहीं। वहीं आदि गुरु शंकराचार्य वेद और उपनिषद के आगे तेरी बोरी की कोई औकात नहीं है बेटा। फिर भी मैंने तुझे बोरी से चैलेंज दिया और वहां तुझे हराया भी, जिसका एक भी काउंटर तेरे पास आज तक नहीं है। ले देखे तेरे पास एक नर नारायण युद्ध बचा था, जहां भी ठुकाई नर नारायण की ही हुई थी, और उसे भी मैंने अपने कुछ दिन पहले की ही नर नारायण वाली वीडियो में अच्छे से डिबंक कर दिया। मतलब तेरे पास डेमीगॉड विष्णु को डिफेंड करने के लिए कुछ भी नहीं बचा। डेमीगॉड विष्णु के अपने बराबर का स्थान देने के साथ साथ सुदर्शन चक्र देना और बाणासुर बैटल से लेकर उनकी धुलाई तक सब कुछ तो विथ प्रूफ एक्सप्लेन कर दिया है मैंने, तो तेरे पास कुछ बचा भी तो नहीं है। और तू क्या बोल रहा था कि मैं तेरे पुराने वाले क्लेम्स को काउंटर करूं? पहले तो ये बता कि तेरा कौन सा ऐसा एक्सक्यूज बचा है जो मैंने काउंटर नहीं किया। तेरा फेवरेट पूरा नर नारायण युद्ध तेरे सामने ही एक्सपोज कर दिया मैंने, विष्णु को मरने वाला एक डेमीगॉड भी प्रूफ कर दिया, तो तेरे पास मेरी कॉपी करने के सिवाय बचा ही क्या है मुन्ना? वैसे तू बड़े दिनों से बोल रहा था कि महादेव को डेमीगॉड विष्णु के अंश अवतार ने अपने बराबर का स्थान दिया, महादेव अपने द्वारा दिए गए सुदर्शन चक्र को नहीं रोक सकते, पर बेटे तूने उनका अभी तक प्रूफ नहीं दिया, वो कब देगा? क्योंकि तेरे दिखाए हुए रेफरेंसेस में तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, और अगर है तो ओपन चैलेंज है कि कोई मुझे दिखाए ऐसा कुछ भी इसमें। और अब तो तू उसके साथ साथ ये भी दिखाएगा कि भगोड़े भीम अर्जुन और गंधर्व कर्ण का कवच कब भेज देते हैं, क्योंकि तेरे इस वाले रेफरेंस में भी ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, तो अब तू इन सब का रेफरेंस एक साथ देगा मुझे। एक और बात ये कि हाँ है सूर्यदेव खुद नारायण और पंच देवता, जिनके बारे में तुझे पता तक नहीं, पर कोई बात नहीं, इस पे भी मैं जल्दी ही एक वीडियो लाने वाला हूँ, तब तक के लिए तू ये पकड़। पर ये क्या, यहाँ पर भी मैंने स्क्रीनशॉट नहीं दिया, अब तू चेक कैसे करेगा यार, ये तो गड़बड़ हो गई। और तेरा इंद्र के वज्र वाला जो क्लेम था, अगर तुझमें दम है तो उसका एक भी वैदिक सपोर्ट दिखा दे मुझे। अब तो यहाँ बहाना मारेगा वो मैं जानता हूँ, क्योंकि तेरे प्रूफ्स खत्म होने के साथ साथ तेरा फ्रस्ट्रेशन भी दिख रहा है मुझे, लेकिन मेरे आगे रोने का तो कोई फायदा होने नहीं वाला है तुझे, तो अब तू प्रूफ्स लेके ही आ। और कोई मुझे बताओ यार कि मैंने ऐसा कब कहा कि कल्प एग्जिस्ट नहीं करते? बेचारे की चिढ़न इस कदर सड़ चढ़कर बोल रही है कि बिना प्रूफ्स के ही ये क्लेम कर रहा है। मैं पागल हूं।
अब तुमास कंसोर्ट के साथ साथ अब इस बात को भी प्रूफ करेगा। इसकी वीडियो में बस एक चीज होती है कि ये मैं ऑलरेडी प्रूफ कर चुका हूँ, पर इसने किया कुछ नहीं होता। और सबसे शर्म की बात यह है कि ये तेरे जैसे कटुए सनातन जैसा पवित्र नाम अपने गंदे मुंह से कैसे निकाल लेते हैं। वैसे वध वाला तेरा क्लेम तेरी वीडियो का सेंटर पॉइंट था, जिसका तूने अभी तक कोई प्रूफ नहीं दिया। पर विष्णु जैसे डेमीगॉड्स के मरने का प्रूफ है, जो कि मैंने ऑलरेडी दे रखा है। एक बात यह भी है कि जब डेमीगॉड विष्णु साधारण व्यक्ति हुआ करते थे, तब उन्हें कोई घास तक नहीं डालता था। फिर महादेव की कृपा से वरदान पाकर तेरे जैसे गिने चुने लोग एक ऐसे डेमीगॉड को परब्रह्म मान बैठे हैं, जो खुद महादेव को परब्रह्म मानकर उनके चरणों में पड़े रहते हैं। और तू वेदों से बात करेगा? चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। चल वो भी तू यूज कर ले, क्योंकि बोरी के तो तेरे सारे पहले ही खत्म हो चुके हैं, इसलिए जीत तो पाएगा नहीं। इसलिए सोच रहा इधर उधर हाथ मार ले, तो चला ले, क्या दिक्कत है। और क्या बोला तूने कि वेदों के अनुसार इंद्र भी परब्रह्म है? तो चल अब तू इसका भी प्रूफ देगा मुझे। तुझे तो ये भी नहीं पता कि वैदिक इंद्र कौन है। खैर जिसे पंच देवों का भी नहीं पता, वो भगोड़े इंद्र को ही ग्लोरीफाई करेंगे ना। और हाँ, महादेव का जन्म डेमीगॉड विष्णु, जो कि खुद एक यज्ञ से जन्मा हो, उनसे हुआ, उसका भी तूने अभी तक कोई प्रूफ नहीं दिया, क्योंकि मेरे वेदों वाले क्लेम का तो तेरे पास कोई जवाब है नहीं, जिसमें ना तो तेरा कल्प भेद काम करेगा और ना ही तेरा कोई सो कॉल्ड अर्लियर साइकिल ऑफ क्रिएशन। पर ये क्या, मैंने तो फिर से वेदों का नाम ले लिया। देख ले कहीं ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा ना बेटा? साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। और तू बना ना वैष्णवास्त्र वाला वीडियो, मुझे भी मेरी नेक्स्ट वीडियो का कंटेंट मिलेगा यार। और कौन से इंद्र और रामेश्वर वाले पॉइंट को डिबंक किया है तूने? बोलने से डिबंक हो जाता है क्या बेटा? खैर इससे तो कुछ होने नहीं वाला, पर मैं जरूर इन बकरा मुंडी वैश्या नूब्स के एक्सक्यूज को काउंटर करता रहूंगा। नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी ही आएगी, तब तक के लिए हर हर महादेव, शिव शिव।